दीपावली के पावन पर्व पर होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इस बार अलग ढंग से दीपावली मनाने की कवायद शुरू की गई है। एक और जहां अधिकाधिक पटाखे न चलाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं देश व विदेश में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो गाय के गोबर से दिए व अन्य वस्तुएं बना रही है। हमीरपुर जिले में भी गौ सेवा समिति जामली धाम ने गाय के गोबर के दीपक बनाने का बीड़ा उठाया है और लोगों को ये दीपक मुफ्त बांटे जा रहे हैं। राजस्थान के स्वदेशी गौशाला भीलवाड़ा से भी गाय के गोबर से बने 10,000 दिए हमीरपुर जिले के लोगों को बांटे गए हैं। गौ सेवा समिति के अध्यक्ष रसेल सिंह मनकोटिया ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ये प्रयास किया गया। इस बार हमारी गौशाला ने निर्णय लिया कि हम कोशिश करेंगे कि हर घर में दिवाली को गोमय दीपक की दिवाली हो, और इसलिए हमने राजस्थान भीलवाड़ा से हमीरपुर में पहली बार 10,000 गोमय दीपक मंगवाए और उन दीपकों को पूरे जिला में गौशालाओं के माध्यम से हम वितरण कर रहे हैं ताकि हर गौ भक्त के घर में इस बार गोमय की दिवाली हो। अगले वर्ष से हमारा ये निर्णय है कि हम अपनी गौशाला में लाखों की संख्या में गोमय दीपक बनाएंगे और हर घर घर में भेजेंगे ताकि गोबर ना सही लेकिन गोमय का दीपक तो वहां पहुंचे, ताकि उस घर में शांति भी रहे और पैसों में बरकत भी रहे। लोगों में भी गाय के गोबर से बने दीपक जलाने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों ने इसे भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा प्रयास बताया। हमारा जो सनातन है ना जी, उसमें गाय के गोबर को बड़ी महत्व देते हैं, इस करके दीपक बनाए हैं, तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा और दूसरा जो मनकोटी ने बताया फसलों को इसका लाभ होगा। जो दिए हैं ये मतलब एक तो प्रदूषण से रहित हैं, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है और जलने में अच्छे शोभा देते हैं, और इसके बाद जो है वो इसकी मतलब खाद बन जाती है और देखने में भी सुंदर लगते हैं, हल्के बहुत बढ़िया है। गोबर के दीपक है, बहुत ही अच्छा स्टेप है सर गौशाला जंगली धाम वाला का, तो इसके लिए प्रदूषण रहित ही है, तो इसके लिए हमारा पर्यावरण जो बचा रहता है इसके लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये है। आप सभी ने लिए हैं तो आप सभी इसमें सहयोग देंगे, तो कमेटी की तरफ से ये चीज़ बहुत अच्छी पहल है और हमारे में आने वाली व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छा है। गौशाला जंगली धाम के लिए हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छा कार्य है जो हमारे और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए है। खास बात ये है कि गोबर से बने दीयों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा और बाद में इनका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हमीरपुर से DD News के लिए जसवीर कुमार की रिपोर्ट।